गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल की वंशागति के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने मेंडलिज्म के बारे में आपसे बात की थी। मेंडल के वंशागति के नियम मुख्यतः तीन नियमों की बात हम करते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ लिमिट्स, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पहला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं। प्रभाविता का नियम क्या है? एक या एक से अधिक विप्रयासी लक्षणों वाले जीवों में संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में जो लक्षण अभिव्यक्त होते हैं वो प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो लक्षण F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं हो पाते या छिपे रहते हैं वे अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। इसे वंशागति का प्रथम नियम कहा गया। इसे समझाने के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का उदाहरण लेते हैं। शुद्ध लंबे पौधों का शुद्ध बौने पौधों से क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी में समस्त पौधे लंबे प्राप्त हुए, लेकिन ये विषम युग्मजी है। यहां F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधों का प्राप्त होना यह दर्शाता है कि लंबेपन का कारक यहाँ डोमिनेंट है, तथा उसने अपना प्रभाव दिखाया, और बौनेपन का कारक रिसेसिव है जिससे वो अपना प्रभाव दिखाने में सफल नहीं रहा, इसलिए वो उसके प्रभाव या उसके लक्षण दृष्टिगत नहीं। इसलिए यहाँ पर जो लक्षण अभिव्यक्त हो पाते हैं वो प्रभावी होते हैं, और जो लक्षण अभिव्यक्त नहीं हो पाते वो अप्रभावी लक्षण होते हैं। मेंडल का दूसरा नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है। इसे समझाने के लिए भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर्याप्त है। व्हेन ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स आर ब्रॉट टुगेदर इन ए हेटरोजाइगोट, द टू मेंबर्स ऑफ एलीलिक पेयर रिमेन्स टुगेदर without being contaminated and enter separately when gamete forms. When a dominant and a recessive allele of a gene come together in a hybrid after crossing between two plants, यहाँ पर लंबे पौधे और बौने पौधों का क्रॉस करवाया गया तो F1 पीढ़ी के अंदर हेट्रोजाइगोट प्राप्त हुआ। भले ही डोमिनेंट कैरेक्टर दिखते हैं, रिसेसिव नहीं दिखते, लेकिन जब इनसे युग्मक बनते हैं तो लंबेपन का कारक या लंबेपन के जीन सेपरेट गैमेट में जाते हैं और बौनेपन के कारक और बौनेपन के जीन्स एक पृथक से युग्मक में जाते हैं। ऐसा होने का ही परिणाम है कि F2 पीढ़ी में बौनेपन का लक्षण दृष्टिगत होता है। जब F2 पीढ़ी का फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं, लक्षण प्रारूप अनुपात देखते हैं, तो उसमें 75% लंबे और 25% पौधे बौने प्राप्त होते हैं। हालांकि इसका जीनोटाइप देखते हैं तो 25% शुद्ध लंबे, 50% विषम युग्मजी लंबे और 25% बौने पौधे प्राप्त होते हैं। यह युग्मकों का शुद्धता का नियम है। तीसरे नियम की बात करें, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।
इस नियम को समझाने के लिए हमें डाईहाइब्रिड या ट्राईहाइब्रिड क्रॉस का उदाहरण लेना होगा। नियम की चर्चा करें उससे पहले हम ये बताएं कि इनके युग्मक कैसे बनेंगे। ये डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए लंबेपन का कारक और बोनेपन का कारक, तो एक हम कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस में दो जोड़ी विक्रियाशील अक्षरों का संकरण करवाया जाता है, ट्राईहाइब्रिड में तीन जोड़ी विक्रियाशील अक्षरों का संकरण करवाया जाता है, टेट्राहाइब्रिड में चार और पेंटाहाइब्रिड में पांच जोड़ी विक्रियाशील अक्षरों का क्रॉस करवाया जा सकता है। यहां पर डाईहाइब्रिड क्रॉस में जब हम दो जोड़ी विक्रियाशील अक्षरों का क्रॉस करवाते हैं तो यहां पर हमें जो युग्मक प्राप्त होते हैं वो चार प्राप्त होते हैं, और तीन जोड़ी विक्रियाशीलों के लक्षणों तीन जोड़ी विक्रियाशील लक्षणों के क्रॉस से हमें आठ तरह के युग्मक प्राप्त होते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि एक से अधिक जोड़ी भी प्रयासी लक्षणों की वंशागति का साथ साथ अध्ययन करने पर प्रत्येक एक जोड़ी भी प्रयासी लक्षण के जीन अन्य भी प्रयासी लक्षणों से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन करते हैं। मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक लक्षण की वंशागति अन्य लक्षणों की वंशागति से स्वतंत्र होती है। इस नियम के अनुसार यदि लंबे एवं लाल फूल वाले पौधों का संकरण बोने और सफेद फूल वाले पौधों से करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे और लाल फूल वाले प्राप्त होते हैं, परंतु जब F1 पीढ़ी के सदस्यों का संकरण F1 पीढ़ी से ही करवाया जाता है तो F2 पीढ़ी में चार संयोग बनते हैं, और ये चार संयोग बनने का अर्थ यह हुआ कि यहां पर जो कारक हैं या जीन्स हैं वो फ्री हैं एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। यही कारण है कि लंबेपन के साथ लाल जो जनक पीढ़ी में था उसके बाद युग्मक में लंबेपन के साथ में सफेद फूल वाले का कॉम्बिनेशन प्राप्त हुआ, और इसी प्रकार से बोनेपन के साथ सफेद फूल का कॉम्बिनेशन जो जनक पीढ़ी में था उसके अलावा बोनेपन के साथ सफेद फूल वाले कॉम्बिनेशन भी प्राप्त हुए, और यही कारण है कि F2 पीढ़ी में हमें जो पौधे प्राप्त होते हैं उनका अगर फिनोटाइप देखते हैं तो 9:3:3:1 प्राप्त होता है, जिसमें 9 पौधे लंबे लाल, 3 पौधे लंबे सफेद, 3 पौधे बोने लाल और 1 पौधा बोना सफेद प्राप्त होता है। इनका जीनोटाइप देखते हैं तो 1:2:2:4 ये 9 का बाइफर्केशन है, 3 का बाइफर्केशन 1:2 और फिर 3 का बाइफर्केशन 1:2:1 ये प्राप्त होता है। इस तरह से दो तरह के जो जनक थे उनके अलावा दो नए कॉम्बिनेशन का प्राप्त होना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की पुष्टि करता है। आज के लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं, कल हम नए टॉपिक पर बात करेंगे जीन की अन्य क्रियाएं। धन्यवाद।